केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है अग्निवीर नाम से, जिसको लेकर देश भर के युवा अग्नि प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, तो युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए, युवा के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सरकार ने जो एक बेरोजगारी के दौर में और दो साल से कोविड की वजह जब सेना भर्तियां नहीं हो रही, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और चार साल के लिए अगर आपको नियुक्ति दी जा रही है, मान लीजिए आप 21 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होते हैं अग्निवीर में, और आप 25 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो रहे हैं, आप 25 लाख का पैकेज लेकर रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको सेना में 25% लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन एक निवेदन है सभी से, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, और सभी छात्रों से, सभी नौजवानों से निवेदन कि सरकार कि जिन योजनाओं से आप सहमत नहीं, उन योजनाओं में प्रतिभाग न करिए, उनका विरोध करिए, और आर्मी की और वैकेंसियां उनमें ट्राई करिए, लेकिन देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाइए। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना जो कि युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है, जहां युवा के अंदर जज्बा होता है कि भारत माता की सेवा करे, आर्मी में भर्ती हो, वहाँ पर चार साल में किस प्रकार से युवा माता पिता की सेवा कर सकते हैं, इन्हीं बातों को लेकर के भारत के सारे नौजवान आज गलत गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार में, राजस्थान में किस प्रकार से युवा आगजनी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और ट्रेनों को रोक रहे हैं, तरह तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, और विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के कई और तरीके भी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और अपने संपत्ति को, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है अग्निवीर नाम से, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के और भी तरीके हैं, तो लखनऊ के युवा क्या सोचता है? पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि जो इस समय अग्नि प्रदर्शन हो रहा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा लोग, उसको वो कृपया करके पहले बंद करें, पहले शांतिपूर्वक इस योजना को समझें कि आखिर ये योजना है क्या। चार साल अगर आपको सेना में भर्ती किया जा रहा है कि 21 साल की उम्र के बाद आप 24 या 25 के हुए तो आपको रिटायरमेंट हो गया, एक अच्छे पैकेज के साथ दिया जा रहा है। आप सेना में भर्ती भी अगर आपकी जो प्रतिशत, उनका जो प्रतिशत है, अगर उनमें 1000 हैं तो 1000 में अगर 25% उन्होंने अगर युवाओं को रख लिया तो उसमें हर्ज क्या है। अगर आप वहाँ से कुछ सीख के बाहर निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास वहाँ का प्रमाण पत्र होगा, हर चीज़ होगी, इतना पेमेंट आपको मिल रहा है, इतना पैसा भी, ताकि आप अच्छा रोज़गार भी कर सकें। मगर उस योजना को ना समझ के प्रदर्शन करना, नुकसान लोगों के ऊपर ईंटें चलाना, आम जनता को परेशान करना, आगजनी सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाना, ये गलत है। केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना के विरोध स्वरूप जो यूथ सड़कों पर उतरा हुआ है और जिस तरह की आगजनी और तरह के उपद्रव कर रहा है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की अगर विरोध जताना है तो शांतिपूर्ण तरीके से जता सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार एक अग्निवीर जो योजना लाई, वो काफ़ी सही, युवाओं को जिस तरीके देखें कोविड काल के बाद से ही युवाओं एक सोच थी कि कैसे कोई वैकेंसी आए और वह सेना में भर्ती हो सके, इसी को लेकर लगातार जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना गलत है। एक तरीके से देखें तो सरकार जो चार साल की इस नौकरी को लाई, अगर वो चार साल ना देखें, एक युवाओं के लिए रोजगार के लिए एक ऐसी पहल है जिससे जुड़कर सभी को इसके साथ चलना चाहिए, और साथ ही जो आप चार साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे करीब 24 लाख के, इसका भी आप सही से प्रयोग करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर, और अगर आप सही कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी यूपी पुलिस की जैसी अन्य भर्तियां जो है उसमें इसको भरीता देगी। तो मेरे हिसाब से विरोध जो है इस योजना का वो गलत है। केंद्र सरकार की योजना की जो भी, अगर आप खुश नहीं है तो इसका विरोध ना कीजिए, बल्कि अपने सुझाव दीजिए कि इस योजना में किस तरीके से परिवर्तित करके नए नए इसमें अपग्रेड किए जा सकते हैं, इसी को लेकर इस योजना को हम सहमति देते हैं।